अभी रात का समय है पर तुलसी धाम में लगातार जो झाड़े सुबह 7 बजे से लेके अभी तक लगातार चल रहे हैं। माता संगीता जी हैं, वो लगातार झाड़े लगा रही हैं। अभी भी सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं, तो अभी बाहर एक अमरजन से झाड़ा लगाने के लिए जा रहे हैं। तो आपको मैं पूरे जो इमरजेंसी झाड़ा कैसे लगता है वो देखिए आप। इमरजेंसी झाड़ा माता संगीता जी बाहर आके अभी रात के टाइम समय लगा रही है। उतर जाओ। तो आप जो जितने भी देखने वाले हो, हजारों जो लोग हैं वो रोगों से ठीक हुए हैं, शराब छोड़ी है बहुत सारे लोगों ने। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य जो भी लोग हैं, जो भी जिनको बहुत सारे लोग ऐसे भी ठीक हुए हैं जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे रखा था। संगीता जी सुबह गांव खाबड़ा तुलसी धाम का आप जो दृश्य ये देख रहे हो, एक सप्ताह में 3 दिन झाड़े लगते हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार और संडे को और पूर्णमासी को। पूर्णमासी चाहे किसी भी दिन के उस दिन लगता है, बाकी सप्ताह में 3 दिन झाड़े लगते हैं, मंगलवार, वीरवार और संडे। घर से केवल माता संगीता जी गऊओं के नाम पे, गाय के नाम पर 5 मुट्ठी गेहूं की लाने की बात करते हैं और वो गौशाला जो गांव की है वहीं पर ही उसको उस गेहूं को या फिर जो रोटियां लेके आते हैं लोग उनको पहुंचा देते हैं। तभी आप रात का दृश्य है आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जो दूर दूर से लोग आते हैं अपने समस्याएं लेकर के, उनका झाड़े के माध्यम से निराकरण है, उनका रोग मुक्त है, वो माता संगीता जी कई महीनों से कर रहे हैं। हजारों लोग यहाँ आके ठीक हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शराब छोड़ी है और अभी भी आप देखो रात का टाइम है, यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल अभी भी खड़े हैं सैकड़ों की संख्या में। अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि भगत जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। अभी जो इमरजेंसी झाड़े बाहर आए थे वो लगा के माता जी वापिस वहां जा रहे हैं, जहां पे लोग लाइन लगा के अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। और सुबह 8 बजे से यहाँ झाड़ा शुरू हो जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि सप्ताह में 3 दिन यहाँ झाड़े लगते हैं, मंगलवार, वीरवार और संडे को। घर से केवल 5 मुट्ठी गेहूं की लाने के लिए कहा जाता है ताकि खा लो।